आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। प्रदेश में अभी तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 113 है। प्रदेश के कुल 16 जिले अभी तक इससे प्रभावित हुए हैं, अर्थात 59 जिलों में अभी हमारे सामने कोई भी प्रकरण नहीं आया है। कुल उपचारित मरीजों की संख्या 17 है, 113 में से कुल उपचारित मरीज 17 हैं और 2 मरीजों की कोरोना वायरस से मृत्यु हुई है। एक मरीज बस्ती का रहने वाला था और दूसरा मेरठ का रहने वाला था, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है। हालांकि जो बस्ती के व्यक्ति हैं उनको किडनी की बीमारी थी पिछले एक वर्ष से, तो जो हम लोग पहले से भी बता रहे थे कि जो अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, जो 60+ के लोग हैं और जिनको कोमॉर्बिडिटी है, वो इसके लिए ज्यादा ससेप्टेबल हैं इस इन्फेक्शन के लिए। तो आपके माध्यम से ये फिर से मैं अनुरोध कर रहा हूं लोगों से कि इस वायरस से संक्रमण से हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें सावधानी बरतनी है। और खास करके जिन लोगों के कोई हेल्थ कंडीशन है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट की कंडीशन है या किडनी की कंडीशन है या डायबिटीज है उनको, और जो लोग अधिक उम्र के व्यक्ति हैं 60+ हैं, उन लोगों को सावधानी भी बरतना है और हमें भी उन्हें प्रोटेक्ट करना है। हमें भी अपने घर में भी अगर कभी कोई ऐसी बात होती है तो हमको अपने बड़े बुजुर्गों को इसमें प्रोटेक्ट करना है, हैंड वॉशिंग बार बार करना है, जिससे कि जो वायरस का रूट है हाथ से होकर के जो ये चेहरे का पार्ट है जिससे वायरस एंटर करता है, वो जो ट्रांसमिशन की चेन है उसको ब्रेक किया जाए, इसके लिए हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है। और सोशल डिस्टेंसिंग, जिससे कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं, चाहे वो खांसी के माध्यम से या छींक के माध्यम से, वो ड्रॉपलेट्स आपके अंदर प्रवेश न करें, इसलिए जरूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जो हमारे यहां का ट्रेंड रहा है पिछले 4-5 दिनों में, वो हम लोगों ने ये देखा है कि हमारे यहां 2-3 क्लस्टर्स बने। एक क्लस्टर गौतम बुद्ध नगर में है जहां अभी तक हमको 46 पॉजिटिव केसेस मिल चुके हैं। एक क्लस्टर हमारा मेरठ में है जिसमें हमको 19 केसेस मिले हैं। एक क्लस्टर गाजियाबाद में क्रिएट हुआ जिसमें कि 9 केसेस हैं।